और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए, आईन के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएं। अदालती हुक्म पर अमल न करने की जिम्मेदारी वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर दाखिला पर डाली जाए। वकला की गोल मेज कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा कर दिया। एलामिया में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पास की गई करारदाद को भी गैर आइनी करार दिया गया। एलामिया में कहा गया कि तमाम इदारे इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में अपने फराइज सर अंजाम दें। आईन मुकदम है, आईन पर अमल होना चाहिए, जो भी राह में आए उस पे जिम्मेदारी डाली जाए। वकला की गोल मेज कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा कर दिया। द प्राइम मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर एंड द इंटीरियर मिनिस्टर मस्ट बी समन्ड टू डिटरमिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्लेम फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मुल्क के सीनियर तरीन कानूनी माहरीन और वकला रहनुमा ने करारदाद पास की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल किया जाए, तमाम इदारे इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में अपने फराइज सर अंजाम दें। एलामिया में कहा गया है कि काबीना की मंजूर करदा करारदाद गैर आइनी है, अदालत इसका जायजा ले। एलामिया में दरख्वास्त की गई है कि अदालत इंतखाबात में ताखीर का भी जायजा ले। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर दाखिला पर जिम्मेदारी डाली जाए। 90 दिन में इंतखाबात पंजाब और KPK के आवाम का हक है। बुलेटिन में आगे देखिए इंतकामी कार्रवाई।